नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स यानी गणित की प्रश्नावली 5.1 के बारे में हम बात कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.2। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में से जो क्वेश्चन आने वाला है वो 5.2 या 5.3 में से ही आता है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस बार इसमें से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके 5.1 में से भी बन सकते हैं, लेकिन जो आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आने वाला है वो 5.2 या 3 में से ही आएगा। तो ध्यान से इस प्रश्नावली को समझना है, लगातार स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। बिल्कुल बेसिक से लिखेंगे इसको भी, कौन कौन से सूत्र काम में आने वाले हैं। मात्र एक सूत्र इस प्रश्नावली में है जो काम आएगा, क्या सूत्र है उसको पहले समझेंगे, फिर अपन प्रश्नावली के कुछ सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.2। देखिए, हम बात कर रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में, हमने समांतर श्रेणी का बेसिक पढ़ लिया था, क्या होती है समांतर श्रेणी इसको हमने समझ लिया था। वहां पर हमने कुछ टर्म यूज की थी, ठीक है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं वापस से। हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद को, जो प्रथम पद होता है उसको हम लिखते हैं ए से, ठीक है। इसके सार्व अंतर को लिखते हैं, यानी जो पदों का अंतर होता है उसको हम लिखते हैं डी से। पदों की संख्या जो होती है उसको हम लिखते हैं एन से, और जो एनवें पद का मान है उसको हम लिखते हैं एन से। ये तो हमें टर्म यूज करनी है इसके अंदर, ये इतनी टर्म अपन इसके अंदर यूज करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से सवाल को आपको हल करना है, उस चीजों को देखते हैं। तो मान लीजिए एक हमारे पास समांतर श्रेणी है जिसके हम प्रथम पद को लिखते हैं, प्रथम पद को हम लिखते हैं A1 से। देखो A1 कैसे निकालते हैं, जो हमारा पहला पद A दिया होता है वो प्रथम पद होता है। इसी तरह द्वितीय पद या दूसरे पद को, दूसरा पद हमें ज्ञात करना, उसको लिखते हैं A2 से। A2 का मान कैसे निकालेंगे, पहले पद के अंदर आप क्या करो, सार्व अंतर यानी D जोड़ दो, सार्व अंतर D जोड़ दो। इसी तरह इसका तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद निकालेंगे तो यहां देखो तीसरा पद निकालना ना, तो ए की जगह तो ही रहेगा प्रथम पद। यहां तीसरा पद निकालने के लिए डी को दो से गुणा करके फिर जोड़ना है, यानी डी को दो से गुणा करके फिर जोड़ना है। इस तरह से हम मान लो चौथा पद निकालें तो क्या हो जाएगा A4, और A4 का मान आपको पता है कैसे आ जाएगा, ए प्लस डी को तीन से गुणा करके फिर जोड़ना है। क्या आप इस तरह से बना सकते हो एनवा पद, हम एनवा पद कैसे निकालेंगे, एनवा पद को क्या लिखेंगे एन से, क्या लिखेंगे एन से। एन का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस यहां पर जितना पद होता है, देखो तीसरा पद लिया था यहां दो आया था, चौथा पद लिया था यहां तीन आया था, एनवा पद लेंगे तो क्या करेंगे, पहले एन में से एक कम करेंगे, क्योंकि सब में क्या होता है यहां पर डी के साथ एक कम से गुणा करते हैं, और फिर हम यहां क्या लगा देंगे डी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सूत्र बन जाता है यहां पर समांतर श्रेणी का, एनवा पद ज्ञात करने का, और यही सूत्र है आपके 5.2 में काम आने वाला। पूरी प्रश्नावली इसी सूत्र पर आधारित है, इसी सूत्र पर आपकी 5.2 प्रश्नावली आधारित है। किस तरह से निकालते हैं हमने देख लिया, एक और तरीका है हमारे आगे वाले पद निकालने का, अगला पद निकालने का, वो हम देखते हैं क्या है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहला पद आपको निकालना है, पहला पद आपको निकालना है तो हम लिखते हैं A1, A1 को हम क्या लिख सकते हैं A से। A2 हम क्या करते हैं, अगर आप पीछे वाले पद में D जोड़ दो तब भी आगे वाला पद आ जाता है, यानी पहले पद में D जोड़ दो। तीसरा पद निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पद में D जोड़ दो। अगर चौथा पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद में D जोड़ देंगे। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं आगे वाले पद। देखो एक तो तरीका हमारा ये है, क्या हम D को दो या तीन बार, हमें सिर्फ पहला पद पता होता है तब, अगर मान लो आगे के पद भी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी आगे वाला पद निकालना होता है तो पीछे वाले पद में D को जोड़ दो। आपका D का मान प्लस में, माइनस में या जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एन का मान कभी भी बटे में नहीं होता है और न ही पॉइंट ऑफ होता है। इसके बाद में हम समझे इसके आगे, तो यहां तक आपको देख लिया। अब देखो अगर तीन पद, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है,
ये अगर समांतर श्रेणी में है तो आपको अगर b का मान निकालने हो बीच वाले पद का, तो कैसे निकालेंगे b का मान निकालने का, a प्लस c जोड़ के और दो का भाग कर दो। ये हमारे बीच वाले पद निकालने का तरीका है। तीन पद दिए हुए हैं आपको, जैसे मान लो एक दे रखा है 5, उसके बाद खाली स्थान दे दिया यहां पे, और उसके बाद आपको दे रखा है 10, तो बताओ क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ दो, या मान लो यहां पर एक ऐसी संख्या है 15 मान लो, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ो 5 प्लस 15 और फिर बटे दो कर दो। 5 और 15 कितने होते हैं 20, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 10, तो यहां पर पद कौन सा आएगा 10। यानी बीच वाले पद का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र का यूज करते हैं इस वाले पद का मान निकालने के लिए। यानी इस पद का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र का यूज करेंगे अगर बीच वाला पद नहीं है तो। कौन से भी दो पदों के बीच वाला पद निकालना हो तो आपको पहला और उसके आगे वाला पद जोड़ो, उससे पहले वाला और उसके आगे वाला पद जोड़ के 2 का भाग कर दो, वो पद आ जाएगा। तो यहां पे हमें क्या चीज याद रखनी है, हमारा एक तो ये सूत्र है इंपॉर्टेंट, दूसरा हमारा ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको भी आप अच्छी तरह याद रखें, ये हमारी समांतर श्रेणी में जब सवाल करेंगे तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ये था इसका 5.2 का, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब अपन सवाल करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट है इसके सवाल 5.2 के। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, पहले सवाल में दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। आपको दे रखा है यहाँ पे ये जो पद है, ए 5 सवाल दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, किसी में ए आपको खाली स्थान दे दिया, किसी में डी की जगह, किसी में एन की जगह, या किसी में एन की जगह, हमें क्या करना है पीछे वाले सूत्र का यूज करते हुए हमें इसके मान निकालने हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। देखो पहला सवाल लेते हैं इसका, पहले सवाल में आपको देखो ए का मान दे रखा है 7, तो हमने लिख लिया ए बराबर 7। जो चीज दे रखी है डी का भी मान दे रखा है, तो डी बराबर हमने लिख लिया 3। एन का मान दे रखा है 8 और हमसे पूछा क्या है एन का मान, देखो एन की जगह खाली स्थान दे रखा है, तो एन की जगह मान निकालेंगे। बहुत ही आसान सा है, एन का अपने पास सूत्र है, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इस सूत्र में मान रखो और आपका आंसर तैयार है। देखो हम यहां पे मान निकालेंगे, मान जो जो हमें पता है लिखते जाओ। देखो ए की जगह हमें कितना रखना है 7, ए की जगह कितना है 7, प्लस एन की जगह कितना रखना है, एन की जगह 8, और 8 में से 1 घटाएंगे और गुणा में डी रख देंगे, डी का मान कितना है 3, ये हमने रख दिया। अब इसको सिंपल हल करना है, तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 7 को गुणा करेंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, देखो जरा 7 को 3 से गुणा किया, 7 * 3 = 21, 21 में 7 जोड़ेंगे, 7 को पहले गुणा करेंगे, ध्यान रखना ये भी आपका ध्यान होना चाहिए, 7 में 7 जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे, 7 * 3 = 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28, 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं इसका सातवां पद, देखो आठवां पद, यानी n का मान 8 है तो आठवां पद हमें ज्ञात करना है। थोड़ा सा बेसिक के अंदर आप ध्यान रखें, यहां पे हमें जब पढ़ा है इसके अंदर दो चीजों में कंफ्यूजन होता है हमें, किस किस में, एक तो हमें n का मान निकालने में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, an में कंफ्यूजन हो सकता है, कब हमें n पूछा है कब an पूछा है। n का तो मतलब होता है उतने नंबर का पद निकालना है, उतने नंबर का पद निकालना है, और an मतलब उतने नंबर के पद का मान कितना है। देखो कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो समांतर श्रेणी मैंने लिखी, एक समांतर श्रेणी लिखते हैं 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी चलती जा रही है। अब देखो ये हो गया इसका पहला मान, n का मान 1 पर ये है, n का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्रम होता है ना, ये है n होता है। अब आपसे पूछ ले पांचवें नंबर पद का मान कितना है, पांचवें पद का, यानी n बराबर यहां पर हो गया 5 और an का मान हो गया यहां पर 19, यानी पांचवें वाले पद का मान कितना है, पांचवें नंबर पद का, इसका मतलब n का मान 5 है, यानी कौन सा पद, पांचवां पद, उसका मान कितना है 19 है, इसका मतलब ये n है, उस पद का जो मान होता है वो होता है an। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, आगे वाले कंफ्यूजन इसी सवाल में, इस प्रश्नावली में इन्हीं में ही कंफ्यूजन होता है। तो हमने यहां पर इसका पहला सवाल देख लिया है किस तरह से करते हैं, इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। हमें a का मान दे रखा है -18, ठीक है,
हम इसका दूसरा सवाल लिख लेते हैं यहां पे, ए का मान दे रखा है -18, डी का मान कितना दे रखा है वो भी लिख लेंगे, एन का मान कितना दे रखा है वो भी लिखेंगे, और ए एन का मान कितना दे रखा है वो भी लिख के अपन इसका मान निकाल लेते हैं। चलिए बात करते हैं, डी का मान नहीं दे रखा, एन का मान 10 है और ए एन का मान 0। डी का मान आपको ज्ञात करना है, एन का मान 10 है और डी का ए एन का मान कितना है 0। हाँ, ए एन का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए एन का मान 0 हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं, सूत्र में सीधा सीधा मान रख दो, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस मान रखना है। ए एन की जगह कितना रखेंगे, ये रहा, ए एन की जगह हमने रख दिया 0। ए की जगह कितना रखना है, माइनस का 18, ये हमने रख दिया माइनस का 18। प्लस एन माइनस वन, एन की जगह कितना रखना है 10, 10 माइनस 1, और डी की जगह तो हमें पता नहीं है, तो इसको डी का डी रहने दो। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, 18 को इधर लाएंगे, 18 इधर माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 18, 18 इधर माइनस का है बराबर के इधर लाएंगे प्लस, 10 में से एक गया तो क्या बचा 9, और गुणा में क्या पड़ा है डी। अब 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 रहेगा, और 9 इधर डी क्या है 9 के साथ में, 9 के साथ में डी है गुणा में, किस में है गुणा में, तो गुणा वाली संख्या को बराबर के इधर लाते हैं तो क्या आता है भाग में, और ये आ गया डी। अब 18 में 9 का भाग देंगे तो हमारे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मान काटने पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमारा का मान कटा तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, डी में 2 का, ये 18 में 9 का भाग दिया तो 2, यानी डी बराबर हमारे पास क्या आ गया, डी बराबर हमारे पास आ गया 2। तो दूसरे में हमें डी निकालना था और डी का मान आ गया ये, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं तीसरे सवाल की, तीसरे सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं और उसका मान निकालते हैं। जल्दी से देखते हैं तीसरे मान में हमें क्या दे रखा है, ए नहीं दे रखा, डी का मान दे रखा है -3, ए नहीं दे रखा इसका मतलब ए का मान निकालना है, डी बराबर आपको दे रखा है 3, और देख लेते हैं एन बराबर कितना दिया हुआ है और ए एन बराबर कितना दे रखा है। चलिए बात करते हैं, -3 है डी का मान, ये 18 है और -5 है, -3 है, 18 है और 5 है, देख लेते हैं दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ए का मान नहीं दे रखा, डी का मान -3 है तो हमने यहां डी का मान -3 रखा है, उसके बाद में एन का मान 18 और एन का मान -5, एन का मान 18 और एन का मान क्या है माइनस का 5। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, सवाल लिखते हुए गलती नहीं कर दे, बस ये ध्यान रखें, कई बार हम सवाल में प्लस माइनस लिखते हुए गलती कर देते हैं जिससे हमारा सवाल आगे गलत होता है। तो हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मान रखो बस ए एन का मान कितना है माइनस का 5, ए का मान कितना है हमें पता नहीं है तो ए की जगह ए रहने दो, प्लस एन का मान कितना है 18 माइनस 1, और उसके बाद डी का मान कितना है माइनस का 3, बहुत ही सिंपल सा, माइनस का 5, ए की जगह ए रहने दो, प्लस 18 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 17, 17 को किससे गुणा करना है -3 से, ए प्लस 17 तीय कितने होते हैं 51, लेकिन माइनस का है तो माइनस के 51 होंगे, ध्यान रखना 17 को -3 से गुणा करना है तो -51। अब यहां पे हमने हल किया तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 51, इधर माइनस का 5 सामने पड़ा ही है, अब इसको इधर ले आओ, 51 को इधर लाएंगे तो -5 प्लस 51, क्योंकि प्लस इधर क्या है 51 माइनस का है, बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस का हो जाएगा। अब ये एक संख्या प्लस की और एक माइनस की क्या होगा घटाव होगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से तो 51 जाएगा नहीं, 51 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा ए का, ए का मान आ जाएगा हमारे पास, ए का मान हमारे पास आ जाएगा 51 यानी 45, और प्लस का, प्लस का क्यों आया देख लो, आप खुद देखें -5 और प्लस 51 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 51, 51 के आगे चिन्ह कौन सा प्लस का, तो बड़ी संख्या के आगे। तो हमने इसका दूसरा और तीसरा भी निकाल लिया, चलो हम इसका चौथा सवाल कर लेते हैं, चौथे सवाल में क्या क्या दे रखा है हम वो लिखेंगे पहले, ए कितना दे रखा है, डी कितना दे रखा है, एन कितना दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है, ये हम पहले लिख लेते हैं। चलिए हम इसकी बात करते हैं, ए बराबर 18.9, आप कहेंगे पॉइंट मांगे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर लिखेंगे 18.9। उसके बाद में हमने डी कितना दे रखा है,
2.5, n का मान नहीं दे रखा, ये 3.6, यहां पर 2.5 इसका मान नहीं दे रखा हमें निकालना है, ये है 3.6। एक बार चेक कर लें वापस, सभी संख्याएं प्लस में है क्या? 18.9 माइनस का है ध्यान रखना, और फिर 2.5, 3.6, 18.9 किसका दे रखा है? माइनस का। ये आ गया बना। हम इसके अंदर क्या करेंगे, सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रख दो ए एन का मान कितना है, ये रहा 3.6, ए का मान कितना है माइनस का 18.9, फिर प्लस एन माइनस वन, एन का मान तो दे ही नहीं रखा तो एन माइनस वन ऐसे कैसे रहेगा। डी का मान कितना दे रखा है 2.5, तो इसके गुणा में रख देंगे 2.5। चलिए हम सबसे पहले 18 इधर लाते हैं, 18.9 को, 18.9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का इधर, इधर क्या बचा है एन माइनस वन इंटू 2.5। इसको इधर लाएंगे, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22.5 बराबर एन माइनस वन। ध्यान देंगे यहां पे हमने क्या किया है, 3.6 में 18.9 जोड़ा है, तो जोड़ते कैसे है, पॉइंट के सामने पॉइंट रहे, ये आ जाएगा 6 और 9 5, ये आ जाएगा 4 और 8 12, ये आ जाएगा 2, यानी 2 22.5, यहां पॉइंट यहां सीध में ही रहेगा इसके, ये आ गया हमारा। अब देखो 2.5 इधर किस में है, गुणा में, 2.5 को अगर इधर लाते हैं, अगर 2.5 को इधर लाते हैं ये इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हम यहां 2.5 इसके भाग में देंगे। यहां भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां भी हमारे पास पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहां भी एक संख्या है, पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद बराबर संख्या हो तो। अब 25 के पाड़े से 225 काट दो, ये पूरा 25 है, ये 225 है, तो 25 से कम 25, 25 नमे कितना होता है, 9 बार पाड़ा बोलते हैं तो 225, 25 नमे कितना होता है 225, तो इसको हमने हल किया तो हमारे पास आ गया 9, यानी n माइनस 1 बराबर हमारे पास आ गया 9, इस 1 को इधर भेज दो, 9 प्लस 1, तो n का मान कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। इस सवाल को थोड़ा सा आप दोबारा देखना चाहें, पॉइंटों के मान है तो देख सकते हैं, हम इसके बाद में इसका लास्ट सवाल भी करेंगे। हमें a का मान दे रखा है माइनस 18.9, d का मान 2.5, n का मान हमें ज्ञात करना है, an का मान 3.6, an हमने देखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है सूत्र, इस सूत्र से ही हम सारे सवाल कर रहे हैं, एक ही सूत्र काम में आएगा, पूरी प्रश्नावली में ये सूत्र काम में आएगा। बस हमने क्या किया है, ये जो मान दे रखे ना a के, d के, n के और an के, जो जो मान हमें दे रखा है वो हमने इस सूत्र में रख लिया, फिर हमने इसको हल किया है, सिंपल पक्षांतरण करके आपको हल करना है, पक्षांतरण आपने पीछे क्लासों में सीख रखा होगा, ठीक है, वहां से आप इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस 18.9 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, इधर माइनस का है, बाकी संख्या बराबर के उधर ही पड़ी है, देखो सिर्फ 18.9 को इधर लाए हैं, ये बराबर के इधर पड़ा है, फिर हमने इन दोनों को जोड़ा तो यह 22.5, और ये इधर 2.5 गुणा में था, गुणा वाली संख्या इधर आती है तो भाग में, ठीक है। हमने क्या किया, 22.5 में 2.5 का पॉइंट हटाकर यहां से पॉइंट हटा दिया, दोनों में बराबर है, इसमें देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या, इसमें भी पॉइंट के बाद में संख्या देखनी है पॉइंट के, तो हमने इसको 25 के बारे से काट दिया पूरा पूरा। अब यहां आया n माइनस 1 बराबर 9, अब 9 इधर माइनस का एक है हमने, तो n का मान निकालना है ना, तो इसे एक को इधर भेज दो, 10 आ जाएगा, सिंपल सा सवाल। चलिए हम इसका अंतिम सवाल देखते हैं 5 में, और उसमें देखते हैं a बराबर कितना दे रखा है, d बराबर कितना दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है और an बराबर कितना दे रखा है। चलिए हम इसको सवाल को पहले लिख के और फिर करते हैं, a बराबर 3.5, d बराबर 0, a बराबर आपको दे रखा है 3.5, d बराबर 0, यही है, देखो a बराबर 3.5 है, d के सामने 0 है, n का मान कितना है 105, n का मान है 105 और an का मान हमें ज्ञात करना है। जरा दोबारा से देख लीजिए, एक बार मिला लीजिएगा, a का मान, ये देखो a लिखा हुआ है ना, ये a का मान है 3.5, ये d लिखा हुआ है, ये d का मान है, ये a का मान, d का मान 0, n का मान 105 और an का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये हमने लिखा a बराबर 3.5, d का मान 0, n बराबर 105 और an हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा हम इसमें सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वन इंटू डी, बस इसके अंदर मान रख दो।
हम यहां पर an का मान हमें ज्ञात करना है तो इसकी जगह तो ये नहीं रहेगा। a का मान कितना है 3.5 प्लस n, n का मान कितना है 105 माइनस 1 और d का मान कितना है 0। d का मान कितना है 0। हमने पहले ही कहा था d का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलिए हम इसको हल करते हैं। ये हो गया 3.5 प्लस 105 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 104 गुणा 0, यहां आ जाएगा 3.5। 104 को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है 0। हमने 3.5 में 0 जोड़ना है तो 3.5 ही रहेगा। ये हमने कौन सा पद निकाला है 105वां जो पद है उसके लिए n का मान हमने ये क्यों आया, क्योंकि d का मान 0 है तो इसमें पहले पद में कितनी भी बार 0 जोड़ दो 3.5 ही रहेगा। चाहे 105वां पद, 205वां पद, 1000वां पद, सेम ही मान रहेगा 3.5 ही। जब भी डी जीरो होगा तो उसका जो पहला पद है वही सभी पदों का मान होगा, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है। डी का मान क्या है 0 और किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वापस वही संख्या आती है। तो ये था इसका पहला सवाल, बहुत ही आसान से तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डिटेल में हमने इसकी बात की है। चलते हैं पर दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो क्या दे रखा है। दूसरे सवाल में हमें दे रखा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी आपको उत्तर सही चुनना है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन सा सही उत्तर है वो बताना है और साथ में उत्तर क्यों है वो भी बताना है, यानी आपको उसका सॉल्यूशन बताना है, उत्तर सही सॉल्व करके बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं इस सवाल के अंदर। तो हमने देखा है यहाँ पर कि ये सवाल हमें दे रखा है एक समांतर श्रेणी एपी का, मतलब समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद। अब देखो यहां पे हमें कंफ्यूजन होता है, जो मैं बता रहा था ये जो दिया हुआ है 30वां पद इसका मतलब क्या है, यानी 30 नंबर वाला पद, आपको नंबर पूछा है 30, यानी 30 नंबर का मतलब n का मान, यानी नंबर मतलब n का मान, यानी 30 नंबर पे जो पद आ रहा है उसका मान क्या होगा हमें वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा जो तरीका है उससे हम सॉल्व करेंगे, आपको बता रखा है एक ही सूत्र है हमारा, तो इसमें हम लिख लेते हैं यहां पर इसका सॉल्यूशन। देखो क्या होगा सॉल्यूशन, a बराबर कितना है, a बराबर प्रथम पद होता है जो 10 दे रखा है, d बराबर कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद, ध्यान दे रहे जरा दूसरे पद में से पहला पद, पहले में से दूसरा नहीं, दूसरे में से पहला, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपको पता है 7 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 7 घटाना पड़ेगा और 10 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, वही चिन्ह लगाना है जो बड़ी संख्या के आगे है, और उसके बाद में हमारा ये मान आ गया, चलो हम इसके आगे लिख लेते हैं माइनस का 3। हमारा जो मान है n बराबर कौन सा है 30वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और हमें 30 नंबर का पद ज्ञात करना है, यहां 30 लिख दिया इसका मतलब 30वां पद। तो हम सूत्र लगाते हैं, हमें पता है सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस मान रख दो, 30वां पद निकालना है, a का मान कितना है 10 प्लस n, n का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3, कितना है माइनस का 3, ये रहा। सॉल्व करते हैं, ये आ गया 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो 29, 29 को माइनस 3 से गुणा करके हम इसका आंसर निकालते हैं, तो ये तो 10 का 10 पड़ा है इधर, प्लस यहां पर 29 को माइनस 3 से गुणा करना है, 29 को माइनस 3 से गुणा करना है तो 29 3 कितने होते हैं 87 माइनस के, ये माइनस क्यों आया क्योंकि 29 को माइनस 3 से गुणा करना है, इसको हल कर लो, ये 10 प्लस माइनस माइनस हो गया ये 87, अब ये फिर से प्लस माइनस है तो घटेगी संख्या, एक संख्या प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो हमेशा घटा होता है, यहां भी हमने घटाव किया क्योंकि 7 तो प्लस का है ये माइनस का है, यहां पर 10 हमारा प्लस का है ये माइनस का है तो घटा होगा, अब 10 में से 87 जाएगा नहीं, 87 में से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 77, क्या आ जाएगा माइनस का 77, ये हमारा कौन सा पद आ गया 30वां पद, माइनस का 77 क्यों, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या है 87, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जो माइनस 77, यानी आंसर नंबर सी, आंसर कौन सा हो जाएगा सी, सी क्यों हुआ क्योंकि हमने इसका 30वां पद निकाला और 30वें पद का मान होगा माइनस का 77, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए हम अगले सवाल की बात करते हैं, इसी का ही दूसरा है, एक हमें समांतर श्रेणी दे रखी है माइनस 3 माइनस 1 बटे 2 2 का 11वां पद, उसी तरह का है, a बराबर कितना है माइनस 3, d बराबर कैसे निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद, दूसरे पद में से माइनस 1 बटे 2, चाहे तो आप इसको पॉइंटों में बदल लो, 1 बटे 2 का मतलब क्या होता है 1 बटे 2 का मतलब होता है 0.5,
ठीक है, और माइनस का है तो हमने यहां लिख दिया। अब कैसे निकालेंगे, यहां हम निकालेंगे माइनस का तीन, सॉरी दूसरे पद में से पहला पद, माइनस पहला पद, दूसरे पद में से हम पहला पद घटा रहे हैं, ध्यान रखना। हमने यहां पर माइनस एक बटे दो को 0.5 लिख सकते हैं, ये ही इसका पॉइंटों में मान होता है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो देखो हमारा डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का तीन, प्लस के तीन में से 0.5 जाएगा तो हमारे पास रहेगा 2.5। देखो तीन में से हमें 0.5 घटाना है, ये माइनस का है, ये प्लस माइनस है तो घटा होगी, इसमें से जाएगा, यहां से 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2, तो 2.5। ठीक है, ये हमारा मान आ गया। एन का मान यहां पर कितना है, 11वां पद ज्ञात करना है, और हमें 11वां पद निकालेंगे। अभी देखिएगा जरा कैसे निकालते हैं, हमारा सूत्र क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र में मान रखना है हमें। देखो 11वां पद निकालना है, 11वें पद का आप चाहे तो सीधा सूत्र लगा लो, हमें 11वें पद का सूत्र पता है, क्या सूत्र होता है 11वें का, a प्लस 10d। हम जहां पर जितना पद निकालते हैं उससे कम d की गुणा करते हैं, हमने पहले भी इसमें भी आप रख सकते थे सीधा 29d, देखो यहां पर आप सीधा 29वां पद लिख सकते थे, तीसरे पद का मान a प्लस 29d। ठीक है, चाहे तो n माइनस रख लो वो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ये भी रखो या फिर n माइनस 1 रख दो तब भी ये बन जाएगा, अपनी सॉल्व करेंगे तो। मान रख के देख लो ए का मान कितना है, ए का मान ये रहा माइनस का तीन, प्लस डी, एन का मान कितना है, एन का मान 11 में से एक घटा के देखो वापस वही आ जाएगा, और डी का मान कितना है 2.5। हल करके देखेंगे इसके, माइनस तीन ये रहा प्लस 11 में से जाएगा तो 10, 2.5, 10 को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25। 2.5 को हमें 10 से गुणा करना है, 10 का पढ़ा बोला 5 बार 50, 50 का लिखा 0, यहां आ गया 5, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, सॉरी 25, 10 दूनी 20, 20 को में 5 जोड़ा तो 25, ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट था, यहां भी एक संख्या बाद, 25.0 कह दो या 25 कह दो, ये हमारा क्या आया है इसको गुणा कराने पर। अब ये माइनस का ये प्लस का फिर से जोड़ेंगे तो घटा होगी, 25 में से जाएगा तो कितना बचेगा 22, किसका, प्लस का, क्योंकि 25 बड़ा है, ये हमारा कौन सा पद आ गया 11वां पद, तो देख लो कौन सा है, ऑप्शन इसका 22, ये रहा बी ऑप्शन, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना बस, ऐसे लिखा होता ना 50वां पद, 51वां पद, 11वां पद, 17वां पद, ये n का मान होता है, उस पद के मान हमें निकालने हैं, वो हमारा an होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी पद का मान निकाल सकते हैं। तो ये था इसका पहला और दूसरा सवाल, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अभी तक आपको इसको समझने में, बेसिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, बाकी के सवाल हम करेंगे कुछ नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।